सो हेलो एंड वेलकम बैक टू इन द वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आई एम गोना अनबॉक्स एंड रिव्यू दिस पाई बॉक्स यूएसबी अडैप्टर, यूएसबी सी डोंगल। ये यूएसबी सी डोंगल है, लेकिन द स्पेशल थिंग अबाउट दिस इज कि जितने भी पाई बॉक्स डोंगल्स के रिव्यू हैं, फिर जितने भी लोगों ने रिव्यू किया है इसका, जिसके अंदर एक HDMI पोर्ट, USB टाइप ए पोर्ट एंड USB सी पोर्ट फॉर चार्जिंग मिलता है, उसका रिव्यू किया मैक्सिमम लोगों ने। लेकिन मैंने सर्च किया इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं मिले इसके ऊपर। हार्डली 1 or 2 रिव्यूज़ मुझको इसके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मिले YouTube के ऊपर। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस वेरिएंट को छोड़ के ये वेरिएंट खरीदूंगा, और उसको अगर मैं आज अनबॉक्स करूंगा, रिव्यू करूंगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये इसका HDMI पोर्ट जो है वो अगर मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करके अपने मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो फिर वो सही से डिस्प्ले होता है कि नहीं, या फिर रेजोल्यूशन आउटपुट वगैरह सही से है, क्लीन है, क्लियर है कि नहीं है। और मैं जितने भी फीचर्स इसके बारे में है सब दिखाने वाला हूं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बॉक्स ओवरव्यू की बात करेंगे। मेरे पास एक VGA मॉनिटर है, दैट्स व्हाई मैं इसका HDMI पोर्ट का आपको डेमो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं VGA पोर्ट के ऊपर आपको इसका डेमो दिखा दूंगा यूजिंग माय LG विंग ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हुए वीडियो में हम देखते हैं, सबसे पहले आपको पाई बॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पे, पाई बॉक्स इंडिया, और यहाँ पे QR कोड है जिसके थ्रू आप इस प्रोडक्ट को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के काफ़ी सारे फायदे हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे चलते हुए बताऊंगा। टुवर्ड्स लेफ्ट अगर देखें तो सेम आपको यहाँ पे QR कोड मिल जाता है, राइट की तरफ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है, तो प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग लिखा तो हुआ है। आगे वीडियो में बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें कितनी प्लास्टिक है, कितना नहीं है। टुवर्ड्स बैक आपको वापस से पाई बॉक्स ऑटन की ब्रांडिंग या फिर जो भी QR कोड्स है, और यहाँ से बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे एक प्लास्टिक सील है, टेप लगा हुआ है, इस वजह से भी हम इसको आगे चलते हुए ब्रेक करेंगे। अगर आप इसका रिव्यू पढ़ना चाहो, स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहो, तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, क्लियर होगा, काफ़ी क्लियर होगा। और अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी सपोर्ट या फिर इंक्वायरी चाहिए कि अगर आपके फ़ोन का सपोर्ट करता है वगैरह, या फिर आप ऑर्डर करते हो ये प्रोडक्ट सही से काम नहीं करता आपके फ़ोन में, तो फिर जितने भी रिव्यूज़ या फिर आपको सपोर्ट्स मिलेंगे वो इस नंबर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनको, या फिर ई मेल आईडी के थ्रू आप इनको हमेशा कॉन्टैक्ट कर पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड हम अनबॉक्स कर लेते हैं। वेलकम बैक खूनी खंजर, लेट्स अनबॉक्स दिस। वेट अ सेकेंड, कहाँ गया? यस, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग, ग्रीटेड विथ ए प्लास्टिक पैकेज, वेरी नाइस। तो ये पाई बॉक्स साइड में मिल जाता है हमें, और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज मिली हैं एडिशनल, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक ये मोबाइल स्टैंड है, आई थिंक सो, यस ये एक मोबाइल स्टैंड है जिसके आप अपने फ़ोन प्लेस कर सकते हो किसी भी डिफरेंट एंगल्स पे। इसके पीछे ग्रूव्स दिए हैं काफ़ी सारे, जिसके अंदर ये स्लॉट इन हो जाता है, और आप काफ़ी सारे एंगल्स के ऊपर अपना मोबाइल यहाँ पे रख पाओगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फॉर द पर्पस फॉर दिस वीडियो मैं यहाँ पे एक फ़ोन रख देता हूँ, या दैट्स मोर लाइक इट। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं और क्या क्या एक्सेसरीज क्या मिलती है हमें। ये कुछ तो है, कुछ तो है, ये केबल प्रोटेक्टर लग रहा है जहाँ तक मुझे पता है। यस, ये केबल प्रोटेक्टर है एक टाइप का, आगे वीडियो में बढ़ते हुए से देखेंगे। और एट लास्ट हमें एक नाइलॉन बैग मिल जाएगा, बैग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यस, बैग की क्वालिटी अच्छी है, और पाई बॉक्स इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे, ये स्ट्रिंग बैग है, और इसके अंदर सेम नाइलॉन मटीरियल है। तो बॉक्स को साइड, बैग को साइड रखते हैं। यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे एक कार्ड मिल जाएगा जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ये है व्हाट्सएप हब चोक, नो मोर, इसका इन्होंने व्हाट्सएप हब चोक नाम दिया हुआ है। आई डोंट थिंक सो ये कुछ भी करता है, इट्स जस्ट अ केबल प्रोटेक्टर, अ सिंपल केबल प्रोटेक्टर। सारे एक्सेसरी साइड में रखते हैं, इस स्टैंड को ये रहने देते हैं, बॉक्स को साइड में रखते हैं, रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। ये प्लास्टिक पैकेजिंग के अंदर मिलता है हमें, इसकी पैकेजिंग खोल लेते हैं हम, और अंदर आपको ये पाई बॉक्स मिल जाएगा। द क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी गुड, ये मेटेलिक बिल्ड है, ये अलूमिनियम है 100%, क्योंकि कोल्ड टूटा चाहिए तो अलूमिनियम बिल्ड है इसका, और ये काफ़ी ज़्यादा थिक एंड रगेड केबल है, ये बहुत मोटी केबल है, आई कैन टेल यू दैट फॉर श्योर, काफ़ी ज़्यादा मोटी केबल है ये। लेट मी ब्रिंग माई चार्जर फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक सैमसंग की USB केबल है जिसका रिव्यू मैंने कुछ टाइम पहले किया था चैनल के ऊपर, आप इसकी थिकनेस देखो एक बार, एंड लेट्स कंपेयर इट टू दिस पाई बॉक्स, यू विल बी शॉक्ड, इट्स वेरी थिक कंपेयर टू द सैमसंग केबल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इट्स ट्वाइस द थिकनेस।
सैमसंग केबल के, और अगर हम LG Wing के ऑफिशियल केबल से कंपेयर करें देन इट्स द सेम केस, ये दुगनी थिकनेस है इसके अंदर कंपेयर टू बोथ सैमसंग एंड LG केबल। पाई बॉक्स अगर देखें एडिक्वेट लेंथ मिल जाती है ये, इसके अंदर आपको एक यहाँ पे USB-C प्रोटेक्टर मिलेगा, इसको निकाल ले और आप इसको यहाँ से डिटैच भी कर सकते हो। यस, इसको डिटैच कर सकते हो आप, इसको मैं साइड रखता हूँ और रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रगड़ बिल्ड है इसका, अल्यूमिनियम बिल्ड है जहाँ तक मुझको लग रहा है। सामने की तरफ अगर देखें हम तो यहाँ पे पाई बॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, एकदम मैट फिनिश के अंदर आता है, स्पेस ग्रे आई थिंक सो इट्स, हाँ स्पेस ग्रे है ये, स्पेस ग्रे फिनिश में मिलता है और अल्यूमिनियम बिल्ड है ये। सामने की तरफ अगर हम देखें तो HDMI पोर्ट मिल जाता है और एक VGA पोर्ट मिल जाएगा आपको। टुवर्ड्स बैक आपको एक USB टाइप ए 3.0 पोर्ट मिलेगा, जिसके लेट मी टर्न ऑन द फ्लैश फॉर अ सेकेंड। यस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे USB टाइप ए पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, और एक USB-C पोर्ट मिल जाता है फॉर पास थ्रू चार्जिंग, जिससे डेटा सिंकिंग नहीं कर सकते आप, ये सिर्फ चार्जिंग के लिए काम होगा। तो दैट वॉज ऑल फॉर द ओवरव्यू ऑफ दिस। अगर हम आपकी इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो ये USB-C 3.1 Gen 1 टाइप सी पोर्ट है यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे USB 3 पोर्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 5 Gbps की ट्रांसफर स्पीड्स मिल जाएंगी। टुवर्ड्स राइट यहाँ पे USB-C पोर्ट है जो कि पास थ्रू चार्जिंग के लिए काम आता है, अगर आप इसको लैपटॉप के बगैर ऊपर यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल Lenovo ThinkPad MacBook वगैरह के ऊपर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो फिर इससे आप अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो पास थ्रू, जिसके अंदर सिर्फ थंडरबोल्ट पोर्ट्स होते हैं या फिर USB-C पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको डोंगल की ज़रूरत पड़ती है, दैन दिस इज़ द परफेक्ट सूटेड एग्जाम्पल फॉर दैट। यहाँ पर अगर आप देखो तो पास थ्रू चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 85 वॉट्स, एट मैक्स 85 वॉट्स की पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है ये। और मैं वापस आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ पास थ्रू चार्जिंग के लिए, इट्स नॉट फॉर डेटा सिंकिंग। आगे की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे आपको एक HDMI पोर्ट मिलेगा और एक VGA पोर्ट मिलेगा, अगर आप चाहो तो दोनों का इस्तेमाल करते हुए डुअल मॉनिटर सेटअप कर सकते हो, और एल्स यू कैन गो ईदर फॉर HDMI और VGA पोर्ट्स। HDMI में अगर हम बात करें तो आपको उसमें एट मैक्स 4K 30fps तक का आउटपुट मिलता है, और 1080p या फिर 1440p के ऊपर आपको 60fps तक का आउटपुट मिल जाएगा ऑन अ मॉनिटर यूजिंग योर लैपटॉप मोबाइल फोन एनीथिंग। तो दैट वॉज ऑल फॉर द ओवरव्यू एंड द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस डिवाइस। और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसमें मैं मॉडल नंबर की बात करता हूँ, तो इसका मॉडल नंबर PI-D6342 और ये 48 ग्राम्स का आता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हुए स्ट्रीमिंग करने की कोशिश भी करते हो, जैसे अगर आपको मोबाइल फ़ोन से HDMI का आउटपुट चाहिए होता है फॉर स्ट्रीमिंग, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये काम करेगा ये। और एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिकेशन फीचर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 15 मंथ्स तक की वारंटी मिल जाएगी, बट देयर इज अ कैच, ये 15 मंथ्स की वारंटी आपको तभी मिलती है जो आपने QR कोड्स देखे यहाँ पे, इसके ऊपर जाके इस प्रोडक्ट को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर देते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो फिर आपको एक्स्ट्रा 12 मंथ्स ऑफ वारंटी मिलेगी, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको 3 मंथ्स की वारंटी मिलती है इसके अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है मॉनिटर के ऊपर, और मैं इसको मॉनिटर से कनेक्ट करता हूँ, जिसके अंदर मैं एक USB पेन ड्राइव कनेक्ट करूँगा, एक कीबोर्ड कनेक्ट करूँगा, एक माउस कनेक्ट करूँगा, और एट द सेम टाइम ये चार्ज भी होता रहेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू माई डेस्क एंड वील सी हाउ दिस थिंग वर्क्स ऑन माई मॉनिटर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, आई एम गोना सेट ऑल दिस अप, जितना भी सेटअप है मैं करने वाला हूँ आपके सामने, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कंप्लीट सेटअप भी दिखा दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक माउस है, एक कीबोर्ड है जो कि एक USB हब के अंदर अटैच्ड है, नॉर्मल USB हब के अंदर अटैच्ड है, और वो USB हब मैंने पाई बॉक्स के अंदर अटैच किया है। द पाई बॉक्स इज कनेक्टेड टू अ VGA पोर्ट विथ USB-C चार्जिंग पोर्ट, और वो पूरा कंट्रैप्शन मेरे फ़ोन के अंदर कनेक्टेड है। पहले ही बता देना चाहता हूँ मैं आपको, जब कभी भी आप ये प्रोसीजर अटेम्प्ट करो, ऑलवेज प्लग द चार्जिंग लास्ट, पहले पाई बॉक्स को कनेक्ट कर लो, उसके अंदर VGA पोर्ट कनेक्ट कर लो, जितने भी USB डिवाइसेस आपको कनेक्ट करने हैं कनेक्ट ऑल ऑफ देम, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे USB हब है मेरे पास जिसको मैं पाई बॉक्स के अंदर कनेक्ट करने वाला हूँ, उस USB हब के अंदर मेरे बोथ हैं कीबोर्ड और माउस के इनपुट हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड माउस का इनपुट मेरे पास आ चुका है, और मैं वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको कीबोर्ड माउस दोनों का इनपुट दिखा दूंगा। लेट मी क्विकली स्विच द डेस्कटॉप मोड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिस इज द डेस्कटॉप मोड ऑफ द LG Wing। सही है, नॉट दैट ग्रेट, कंपेयर नहीं कर सकते, या तो मोटरोला से या फिर सैमसंग डेक से आप कंपेयर नहीं कर सकते इसको, बट कुछ नहीं के हिसाब से दिस इज़ गुड, सही है, इट्स नॉट दैट ग्रेट, इट्स डिसेंट। बहुत सारे काम इसमें हैं जो आप नहीं कर पाओगे, उसका भी एक वे अराउंड है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, इट्स गोना कम सून, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड इनपुट दिखा देता हूँ, ये LG Wing का इनबिल्ट नोट पैड है
सॉरी माई टाइपिंग स्पीड इज़ नॉट दैट ग्रेट, तो इस वजह से मैं सही से टाइप नहीं कर पा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्शन जितने भी हैं, जितने भी इनपुट्स हैं मैंने दिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फोन की डिस्प्ले में आपको दिख रही होगी टुवर्ड्स द बैटरी आइकन दैट इट्स चार्जिंग। मॉनिटर के अंदर भी आपको चार्जिंग का सिंबल दिख जाएगा। ये है पाई बॉक्स जिसके अंदर मैंने एक यूएसबी हब कनेक्ट किया हुआ है, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट किया हुआ है जो कि मेरे सैमसंग का चार्जर है, और एक वीजीए पोर्ट कनेक्ट किया हुआ है। दिस वीजीए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मॉनिटर, और वो यूएसबी हब जो देख रहे हो उसके अंदर मेरे कीबोर्ड और माउस दोनों के इनपुट्स हैं। एंड दिस वर्क्स वेरी फ्लॉलेस, बहुत अच्छे से काम करता है ये, देयर इज नो इशू, लैग तो है ही नहीं बिल्कुल। इफ़ यू वॉन्ट टू स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ योर LG Wing, यू कैन ईजिली डू विद दिस प्रोडक्ट। बहुत आराम से आप LG Wing का यूज़ करते हुए स्ट्रीमिंग कर सकते हो, या फिर वीडियो कैप्चर करना चाहते हो LG Wing की। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ द LG Wing एज अ डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट, टू यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप, तो फिर आप इसका आराम से यूज़ कर पाओगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू वर वॉचिंग सीकिंग टेक एंड सी यू अगेन। बाय।